केदारनाथ में हेलीकॉप्टर लैंडिंग का सीसीटीवी सामने आया है। दरअसल हवा में खराब हुए हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। अचानक ही टेक्निकल खराबी आने से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त भी हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर में सवार यात्रियों ने राहत की सांस ली है। रोटर में प्रॉब्लम के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। क्रिस्टल कंपनी का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। लैंडिंग से पहले ये हादसा हुआ है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे। फाटा से केदारनाथ धाम जा रहा था हेलीकॉप्टर। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये क्रिस्टल कंपनी का हेलीकॉप्टर है जो हेलीपैड पर बस लैंडिंग से चंद फीट ऊंचाई पर था और उस वक्त इसमें खराबी आ गई। पायलट की सूझबूझ से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई जिसके बाद इसमें सवार सभी लोगों की जान बच गई। उन्होंने राहत की सांस ली। अचानक आई तकनीकी खराबी जिसके कारण ये हेलीकॉप्टर हवा में कुछ यूं नजर आया। नीचे हेलीपैड है जहां पर इसे लैंड होना है लेकिन अचानक कुछ फीट ऊपर ये बेकाबू सा हो गया। लेकिन पायलट की सूझबूझ से आप देखिए कैसे इसको वापस सेफली ग्राउंड पर टच कराकर लैंड करा दिया गया। और दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं हवा में एक तरह से हैंग्ड पोजीशन में ये हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। मात्र 100 मीटर की दूरी है हेलीपैड और इसके बीच में, यानी वो भूमि वो जमीन जहां पर इसको लैंड करना है। और अचानक ही ये बेकाबू हो जाता है और अपनी ही एक्सेस पर घूमने लगता है जो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं। उस वक्त इसमें बैठे हुए यात्रियों की सांसें अटक जाती हैं कि अब आगे क्या होगा। लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाई और सकुशल इसको ग्राउंड टच करा दिया, मतलब लैंड करा दिया, जिससे सभी की जान बच गई। प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्रिस्टल कंपनी का यह हेलीकॉप्टर है, बाद में क्या निकल कर आया इस मामले में, कैसे खराबी आ गई थी? जी, आपको बता दूं कि ये सुबह की घटना है लगभग 8 बजे की, और जिस तरीके से वीडियो में देख सकते हैं आपकी, जो हेलीकॉप्टर है वो बिल्कुल हेलीपैड के ऊपर पहुंच चुका था और उसके बाद अचानक वो अनियंत्रित हो जाता, कुछ टेक्निकल दिक्कतें उसमें आ जाती हैं। और किस्मत अच्छी रही कि वो हेली बिल्कुल नजदीक था हेलीपैड के और जमीन से बिल्कुल 2-3 से 4 मीटर की ऊंचाई पे था, इसलिए वहां पर सभी लोगों की जान सुरक्षित बच गई। लेकिन अगर यही हेलीकॉप्टर यही स्थिति अगर कहीं बीच में हो जाती, हाइट पे होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन हालांकि अब वो श्रद्धालुओं सभी सुरक्षित और उनका छोटी मोटी चोटें उनको लगी, उनका उपचार किया जा रहा है केदारनाथ में। बाकी इसमें जो जिलाधिकारी रुद्रदा, उन्होंने उसमें संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही बहुत ही गंभीर विषय है और इसमें कंपनियों के साथ इसमें मीटिंग की जाए। ऊपर शासन लेवल तक हमने पूरा इसमें जानकारी दे चुके हैं और जो भी आगे शासन से निर्देश हुए उसमें कंपनियों के साथ मीटिंग की जाएगी और खासकर भविष्य में ये देख खासकर ध्यान दिया जाएगा कि श्रद्धालुओं के सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। जी बिल्कुल। और जिस तरह से ये हेलीपैड सर्विसेज ऑपरेट होती हैं कि एक तरफ एक बैच को छोड़ते हैं, वापस दूसरा बैच लेके फिर फ्लाई करके आते हैं, इनकी मेंटेनेंस को लेकर भी सवाल उठते हैं। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और तभी से ही लोगों के अंदर ये एक सोच आने लगी थी कि ये कितने सेफ हैं, क्या इनकी मेंटेनेंस प्रॉपर होती है। और आज भी जो हादसा टला है उसमें बताया जा रहा है कोई पार्ट खराब हो गया था, अचानक ये खराबी आई। जी बिल्कुल, अचानक ये खराबी आई है क्योंकि हेलीपैड के ठीक ऊपर पे ये खराबी आई है जो आप वीडियो में देख सकते हैं और उसी से जो संतुलन है जो हेलीकॉप्टर का वो बिगड़ गया था और उसके बाद वो सीधे नीचे जमीन पे आकर अटक गया वहाँ पे। हालांकि वहाँ पर जिस तरह से देखा था बड़ा घटना वहाँ पे जो हो सकती थी, लेकिन वहाँ पर ये रहा कि हेलीकॉप्टर को जो है पायलट है उसने उसको संभाल लिया और सभी श्रद्धालुओं की वहाँ पर सुरक्षित बच गए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से यात्रा और हेलीकॉप्टर जो केदारनाथ आपदा 2013 के बाद वहाँ पर हेली सेवाएं शुरू हुई है और उसके बाद अब हेली सेवाओं के जरिए बहुत अत्यधिक संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शनों के लिए जाते हैं। और ऐसे में अब सबसे बड़ी बात है कि एक हेली कंपनियों के लिए एक कमाई का बड़ा जरिया ये भी है क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं हो रही है तो इससे साफ पता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हेली कंपनियां करती हैं और शायद कमाई पे ज्यादा ध्यान हेली कंपनियों का रहता है। और अगर रूटीन चेकिंग की जाए हेलीकॉप्टरों की टेक्निकल जो भी इनके टेक्निकल स्टाफ है तो इस तरह की घटनाएं नहीं देखने को मिलेंगी और भविष्य में इनको कहीं ना कहीं इसका ध्यान देना चाहिए कि एक बहुत बड़ा एक रिस्की एरिया केदारनाथ का है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया है, दोनों तरफ चट्टाने पहाड़ है और ऐसे में कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए इनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि सुरक्षित और बिल्कुल सुगम यात्रा श्रद्धालुओं को करा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाए हुए हैं संदीप। आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है केदारनाथ में, लेकिन ये किस तरह हादसा हो रहा था वो तस्वीरें जो सबको डरा रही थी वो इस वक्त स्क्रीन पे हैं। एक बार आपको विस्तार से दिखाते हैं
कि किस तरीके से ये जो इमरजेंसी लैंडिंग थी वो करवाई गई पायलट द्वारा और उसके बाद सभी यात्री सलामत बच गए। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ये हेलीकॉप्टर है और नीचे आप देख रहे हैं ग्राउंड है, बस यही लैंड होना है। 3 से 4 मीटर की ऊंचाई ही जो है वो बाकी रह गई थी हेलीकॉप्टर और ग्राउंड के बीच में। अचानक ही बेकाबू होता है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है और देखिए किस तरह नीचे खाई की ओर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन कैसे यहां पर पहुंचकर इसकी लैंडिंग करा दी गई आप देखिए, यहां पर खड़ी पहाड़ी है और बस ग्राउंड कुछ ही स्टेप्स की दूरी पर था लेकिन ये सीधा खाई में जाता हुआ दिखा, लेकिन इस पॉइंट पर इसको पायलट ने लैंड करा दिया। और उस दौरान 6 यात्री इसमें सवार थे, उनकी जान जो है वो आफत में फंस गई, उनकी सांसें अटक गई लेकिन फाइनली वो सकुशल हैं, सलामत हैं, बच गए। और ये एक और वीडियो आप देख रहे हैं, देखिए ये दूसरे एंगल से वीडियो है जब ये हेलीकॉप्टर बेकाबू हुआ और उसने रोटेट करना शुरू कर दिया, अचानक ही इसका नियंत्रण खो गया क्योंकि इसके पार्ट में खराबी आ गई। ये ग्राउंड है, बस इसको यहां लैंड करना है लेकिन ये नीचे खाई की तरफ चला जाता है और जितना भी स्टाफ और लोग यहां पर हैं वो दहशत में आ जाते हैं कि आखिर क्या हो गया, क्योंकि अभी 1.5 साल का वक्त हुआ, यहां पर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त भी हुआ था फ्लाई करते ही। और सामने केदारनाथ मंदिर है, ये केदारनाथ धाम है, यहां से 3 से 4 मीटर की ऊंचाई ही बस रह गई है लैंडिंग से और यहीं पर ये देखिए कैसे अपना नियंत्रण खो देता है और यहीं गोल गोल घूमने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है, टच ग्राउंड करना चाहिए था लेकिन अचानक नियंत्रण खोते ही ये खाई की ओर जाता हुआ दिखता है। इसमें सवार 6 लोग, सभी की जान आफत में फंस जाती है, जो यात्री जो श्रद्धालु आए थे वो दहशत से भर जाते हैं, आसपास जिन लोगों ने देखा वो डर जाते हैं, लेकिन पायलट की सूझबूझ से जिस जगह ये नीचे गया वहां पर इसकी एक सेफ लैंडिंग करा दी गई और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और सभी लोग फिलहाल सुरक्षित हैं, सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर एक बार फिर से हेली सर्विसेज को लेकर लोगों के अंदर एक डर के रूप में आ रहा है। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। संदीप, अलग अलग एंगल से ये वीडियो जो है वो सामने आया है और जिस वक्त ये अपना काबू खो रहा है हेलीकॉप्टर, वहां पर मौजूद लोग और हेलीकॉप्टर के अंदर जो लोग बैठे थे कल्पना भी नहीं की जा सकती उनकी दहशत किस प्रकार रही होगी। उन्होंने सुबह 10 बजे खुलेगी हेमकुंड साहिब के कपाट। बद्रीनाथ धाम में 37 यात्रियों के काटे गए चालान, रील बनाने को लेकर लगा जुर्माना, चारों धामों में 50 मीटर के दायरे में बैन मोबाइल। देहरादून में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश हुए घायल, एक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश बिजनौर के रहने वाले आरोपी को खुशी के इरादे से आए थे दूर। गंगोत्री यमुनोत्री में भक्तों की भारी भीड़, अभी तक 3,40,000 यात्री पहुंचे, डीएम ने किया यात्रा पड़ाव का जायजा, अधिकारियों के बीच डीएम ने बैठक की, डीएम ने निर्देश के बाद फील्ड में अधिकारी। फर्जी रजिस्ट्रेशन करने पर एक्शन, दिल्ली में ट्रैवल एजेंट की हुई गिरफ्तारी, गाजियाबाद से भी एक एजेंट गिरफ्तार, 4 धाम यात्रा का फर्जी रजिस्ट्रेशन किया। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी, 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 4 धाम यात्रा का मौसम बना सकता है मुसीबत। विकासनगर में शंकरपुर ITI कैंपस में बनाई गई मजार रातों रात बना दी गई अवैध मजार, लोगों की शिकायत पर पहुंचे प्रशासन, प्रशासन की टीम ने किया ध्वस्त, सीएम धामी ने मामले की जांच कराने का आदेश दिया। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर में खराबी आने से इमरजेंसी लैंडिंग, रोटर में प्रॉब्लम के चलते हुआ लैंडिंग, सभी यात्री बिल्कुल सुरक्षित। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली में कार ने मारी टक्कर, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। सोनभद्र में कार और ट्रक की टक्कर, कार सवार 5 लोग घायल, जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। सीतापुर में रोडवेज बस में लगी भीषण आग, डीजल टैंक लीक होने से लगी आग, यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। प्रयागराज में बीजेपी का प्रचार करने पर मुस्लिम महिलाओं को धमकी, पड़ोसियों पर मारपीट, बसलू की कारों मामले की छानबीन जारी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में SDRF जवानों की नाव पलटी, रेस्क्यू के दौरान हो जाता है, फाटा से उसने उड़ान भरी केदारनाथ धाम के लिए, सभी लोग उत्साहित थे, भक्ति के लिए जा रहे थे, तीर्थ के लिए जा रहे थे, लेकिन तीर्थ से मात्र 3 कदम की दूरी पर, ऊंचाई पर, 2 से 3 मीटर की ऊंचाई पर यह हेलीकॉप्टर बेकाबू हो गया। बेकाबू होकर किस प्रकार ये खाई की ओर जाता दिखा, अचानक इसने कंट्रोल खोया, ये अपनी ही एक्सिस पर गोल गोल घूमने लगा, उसके बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाई, उसके अनुभव ने साथ दिया और उसने देखिए उसी खाई में एक सही जगह देख करके इस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करा दी और सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। और तीसरी तस्वीर आपके सामने, इंतजार वहां पर हो रहा था, आप देख रहे हैं ग्राउंड स्टाफ वहां पर खड़ा हुआ है हेलीपैड पर जब इन हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग होती है, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये हेलीकॉप्टर अचानक अपने इस तरह गोलाई में घूमने लग जाएगा। वो समझ नहीं पाए कि ये कोई गड़बड़ है या हुआ क्या, लेकिन जैसे इसने नियंत्रण खोया लोगों को समझते देर ना लगी और सबकी सांसें थम गई और ये खाई में जाता हुआ नजर आया, सभी लोग दहशत से। 3 लोगों की मौत, 2 की तलाश जारी।
आरक्षण के मुद्दे पर सीएम योगी का विपक्ष पर प्रहार, बोले धर्म के आधार पर आरक्षण देना गलत, विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रही। चुनाव से पहले 2000 काशीवासियों को पीएम और किस तरह इसकी सेफ लैंडिंग हुई आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर खराब, पायलट की जाबाजी से लोगों की बची जान, खतरे में 6 लोगों की जिंदगी। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। संदीप, दो कैमरों से हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये हादसा कितना भयावह नजर आ रहा है। इसका अंत उतना ही डरावना हो सकता था, लेकिन पायलट की जाबाजी, सूझबूझ और अनुभव ने आखिर ये जो लैंडिंग हुई है ये कितने फीट नीचे हुई है और क्या चट्टाने सपोर्ट करती हैं, क्योंकि हेलीपैड से नीचे तो खाई ही खाई है। किस जगह पे इसकी लैंडिंग हुई और कैसे पायलट ने इस जगह को चुना? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग है उसके हेलीपैड होता है और बहुत ही पूरी तरीके से एक उसी तरीके से बिल्कुल क्षमता के अनुसार बनाया जाता है कि वहाँ पे हेलीपैड लैंड करे, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये इमरजेंसी लैंडिंग था और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पायलट के सामने एक ही रास्ता था कि किस तरीके से हम श्रद्धालुओं को बचा सकें, और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हाइट बहुत कम थी और वहां पर यह था कि अगर हेलीकॉप्टर अगर गिर भी जाता तो ज्यादा वहां पे नुकसान नहीं होता, इसलिए पायलट को वहां पे सूझबूझ पायलट की काम आई। और बिल्कुल लगभग बता रहे कि जब हेलीकॉप्टर नीचे लैंड करने लगा जमीन पे जहां पर बताया जहां पर हेलीकॉप्टर खड़ा मैंने लास्ट में लैंड हुआ तो वहां पर लगभग 2 से 3 मीटर का ही अंतर था, इससे किसी तरीके से उसको पायलट ने उसको हेलीकॉप्टर को वहां पे लैंड कर दिया। और उसके बाद जो है श्रद्धालुओं को काफी देर तक वहां पर उसी हेलीकॉप्टर के अंदर श्रद्धालु रहे, उसके बाद में जाकर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सब उन श्रद्धालुओं को सुरक्षित वहां से निकाला। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि बाबा केदार की कृपा ये भी रही उन पर। बिल्कुल बिल्कुल, और कुल मिलाकर सब लोग सकुशल बच गए। बहुत धन्यवाद संदीप अपडेट के लिए।